अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम मैथ के ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसको 90% लोग रॉन्ग जवाब देते हैं, उनको सही तरीके से क्लियर नहीं होता है बोर्ड मास रूल, जिसकी वजह से वो इनका इस क्वेश्चंस का जवाब। इस प्रॉब्लम को देखते साथ सबसे पहले आपको बोर्ड मास रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास रूल BODMAS, ये आपको फुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, इसके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते आप। मतलब कर लेंगे आप लोग रॉन्ग इसका जवाब आएगा, मतलब आपको ये इसको बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। O कहता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, क्या करना है डिवीजन, डिवीजन। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले चीजों को सॉल्व करना है। तो देखें यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 2, अब ये ब्रैकेट को पहले मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस 1 क्या होगा, हमारा 3 होगा, ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अब क्या करना है, लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट हमें सॉल्व करना है, मतलब ये लेफ्ट है मेरा, लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, 10 डिवाइडेड बाय 2, मैं इसे ऐसे लिख लो ना, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई का निशान लगाया और 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखें लेफ्ट टू राइट हमें सॉल्व करना है, तो यहां पे देखे 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा हमारा 5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब काफी 90% लोग इसका आंसर रॉन्ग क्यों देते थे, वो कैसे इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। देखें कैसे करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल देखें 10 डिवाइडेड बाय 2, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके वो ऐसे करते हैं 3, 2 प्लस 1 3 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखिए ये x हो गया, x डिवाइडेड बाय 2 और ये y हो गया, 3 जो है हमारा ब्रैकेट के अंदर ये y हो गया, एज्यूम कर रहा हूँ। तो देखें x डिवाइड बाय 2y, वो क्या करते हैं x डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है, वो ऐसे करते हैं। मतलब देखिये x जो है हमारा 10 है डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई y हमारा क्या है 3, तो यहां पे देखें 10 ओवर 6, वो ऐसे करते हैं। अब देखें यहां पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और इसका जवाब निकाल लेते हैं 5 ओवर 3, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। आपने जस्ट इसे क्या करना है, सिर्फ बोर्ड मास रूल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और ये प्रॉब्लम आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।